हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ कैरी का अचार। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैरी का अचार बनाने के लिए मैंने 2 किलो कटी हुई कैरी लिए हैं। ये कैरी कटी हुई मार्केट में मिल जाती हैं। इसमें डालने के लिए मसालों में मैंने दाना मिर्ची 100 ग्राम, की रायता 100 ग्राम, हरी सौंफ 50 ग्राम, और राई की दाल 100 ग्राम मसालों में नमक, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर और हींग लिया है। इसके अलावा इसमें 1 लीटर तेल लूँगी। पहले इनको मसालों मिक्स करना है। तेल इनके सारे मसालों को भीगने के बाद डाला जाएगा। अब कैरी में नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। लगभग 8 चम्मच नमक डाल दी मैं। हल्दी इसमें 1 चम्मच और लाल मिर्ची पाउडर 4 चम्मच डाल देंगे। और बाकी सारे मसाले डाल देंगे, मेथी, किरायता, हरी सौंफ। इसको चाहे तो आप दर-दर करके भी डाल सकते हो। और पीसी हुई दाल। अब सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इनको 24 घंटे के लिए ऐसे ही खुले बर्तन में ऐसे ही रख दूंगी और बीच बीच में हिलाती रहूंगी। हर 2-3 घंटे बाद ये पूरी तरह से उथल पुथल करते रहूंगी ताकि अच्छे से भीग जाए। 24 घंटे बाद ये मसाले और कैरी अच्छे से भीग जाएंगे, उसके बाद तेल डाला जाएगा। अब इस कैरी और सभी मसालों को मिक्स किए हुए 24 घंटे हो चुके हैं और इसे अंदर मसाले सब भीग चुके हैं। एक छोटे टी पैन में मैंने 1 छोटा चम्मच तेल लिया है। तेल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर दिया है। इसके अंदर 1 चम्मच हींग डाल देंगे और इसको तेल को पूरी तरह से ठंडा कर देंगे। अब इसके अलावा इस पतीले में मैंने 1.5 लीटर तेल लिया है। हींग वाला तेल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। मिक्स मसालों में डाल देंगे। उसके बाद इस तेल को भी धीरे धीरे इन मसालों में डाल देंगे। एक बार इसमें 1 लीटर तेल डालना है, पूरी तरह से मिक्स करके रखना है। बाद में तेल की ज़रूरत होगी तो डाल देंगे। अब अचार में तेल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। मैंने लगभग इसमें 1 लीटर तेल मिक्स किया है। तेल को मैंने ठंडा ही रखा है। ठंडा तेल से अचार काफ़ी लंबे टाइम तक सही भी रहता है और गाढ़ा भी नहीं पड़ता तेल। और बाकी तेल को मैंने अलग से रख दिया है। जब ये अचार किसी कांच के जार या चीनी के जार में डाल के रखेंगे तो थोड़ा तेल उसके ऊपर डालना पड़ेगा ताकि अचार लंबे टाइम तक रहे। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।